नमस्कार, आइए आज हम सीखते हैं इस जियो मोबाइल में ईमेल आईडी या गूगल आईडी कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेनू में चले जाइए। आप मेनू में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए यूट्यूब का जो ऑप्शन मिलेगा आपको, आप यूट्यूब के ऑप्शन में चले जाएँगे। दूसरा मेथड भी है लेकिन ये थोड़ा आसान है। यूट्यूब में जाने के बाद आपको ये देखिए सर्च के बगल में एक सिम्बॉल है कॉर्नर पर। अब यहाँ पे कॉर्नर पर देखिए, इस कॉर्नर पे आकर के आप इसको सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए अकाउंट आ गया आपका, होम है, लाइब्रेरी है और उसके बाद साइन इन है। तो साइन इन पे चलिए क्लिक करते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये ऑप्शन खुल गया। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पर हमको डन करना है। ये देखिए डन, इस वाले बटन से हम डन कर देते हैं क्योंकि नया अकाउंट बनाना है इसमें। और ये क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया मैंने और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नाम लिखना है। तो चलिए नाम लिख देता हूँ मैं। और उसके बाद फिर से आप डन को क्लिक कीजिए और नीचे आइए। नीचे भी लिखना होता है लास्ट नेम। और चलिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं इसमें। फिर से डन को क्लिक करके आप यहाँ पर ईयर डालिए। चलिए डन दाब करके फिर से हम नेक्स्ट करते हैं। ये नेक्स्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है। चलिए मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं। ये मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से मैंने डन कर दिया। और डन करने के बाद ये देखिए नीचे 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 ये स्किप का ऑप्शन आ रहा है और यस टू ऐड नंबर आ रहा है। तो यस टू ऐड नंबर कर दीजिए आप। और ये यस टू ऐड नंबर होने के बाद आप डन कीजिए। और डन करने के बाद आप फिर से नीचे जाइए और चलिए इसे स्किप कर देना। स्किप कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी दिख रहे हैं, अगर चाहें तो क्रिएट ऑन योर आईडी एड्रेस पे मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे एक चूजेबल आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल लगेगा तो सेक्शन में जाकर मैंने स्मॉल कर दिया। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ भी डाल देता हूँ, एक एड्रेस। सिंपली नंबर कर देता हूँ। चलिए अब डन कर लेता हूँ। और डन करने के बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। फिर से नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लीजिए।
देखिए ये बोल रहा है कि ये नहीं लेगा, तो चलिए इसमें कुछ और डालते हैं। यहाँ पे स्मॉल में डालें आप। चलिए अगर आप कुछ चूज करके रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है इसी में से किसी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट करें। चलिए नेक्स्ट कर दिया मैंने। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, तो चलिए एक पासवर्ड मैं इसमें डाल देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नंबर स्टाइल में कर लेता हूँ मैं, ताकि आसान हो जाए। फिर से डन दाब दिया और डन दाबने के बाद फिर से नेक्स्ट कर दिया मैंने। चलिए ये देखिए बन गया है अब ये, और अब यहाँ पर नेक्स्ट जैसे ही आप दाबेंगे तो यहाँ देखिए ये प्राइवेसी टर्म आ गया यहाँ पर। अब प्राइवेसी टर्म में आप सबसे नीचे माउस को स्लाइड करके स्क्रॉल करके ले जाएं और यहाँ पे आई एग्री पे आप क्लिक कीजिए। जब आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ईमेल आईडी यहाँ पर हमारा अब बन गया। अब देख पा रहे हैं, अब मैं यहाँ से कुछ भी चला सकता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह आप अपने मोबाइल में भी ईमेल आईडी बनाइए, और अगर कोई सवाल हो तो आप पूछिए हमसे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।